वेलकम दोस्तों, मैं तरुण राजपूत आपका वेलकम करता हूँ। सो बीएम सीएम के ट्रेलर के बाद दोस्तों अब बारी आ चुकी है, क्या ये ट्रेलर ट्रेंडिंग पर आया है कि नहीं आया। सो गाइस, 3 घंटे के अंदर अंदर ये ट्रेलर ट्रेंडिंग पर करता हुआ नज़र आ रहा है दोस्तों। यूट्यूब के हाईएस्ट ट्रेंडिंग नंबर 1 पे ट्रेलर जी आ चुका है। सो गाइस, मात्र अब 5 घंटे हो चुके हैं, 1.4 मिलियन व्यूज हासिल हो चुके हैं इसको इतने कम समय में। और जो कमेंट है गाइस, कमेंट 10K कमेंट है और जो लाइक्स है 136K लाइक है, जो कि बहुत ब्रिलियंट है यार, बहुत ब्रिलियंट। और बुक माई शो का क्या हाल है दोस्तों, उसकी बात कर लेते हैं। सो गाइस, जो बुक माई शो का हाल है वो दोस्तों अब बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। जब तक आपको बताऊँ ट्रेलर नहीं आ रहा था ना, बुक माई शो का जो हाल था वो 36K था यार, और उधर मैदान का वो 35 था, और समथिंग ये लग रहा था यार मैदान और बड़े मियाँ छोटे मियाँ, लगता है मैदान इसको बीट कर जाएगी, जो कि उसका सब्जेक्ट एक सोशल मैसेज पे है मैदान का, और इसका फुल मास फिल्म है और फुल ऑन धमाका है, क्योंकि दोनों ही देशभक्ति पर मूवी है वो भी और ये भी। सो ऐसे में आज अक्षय कुमार ने ये साबित कर दिया है, जब ट्रेलर इसका आया है ना, इसका बुक माई शो रेटिंग जो गया है वो दोस्तों 44K हो चुका है दोस्तों। जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 44 हो चुका होगा, क्योंकि अब तक मैं चेक कर रहा था 43.6K इंटरेस्ट रेटिंग इसकी जा रही है। तो अगर बात करूँ कंपेयर मैदान के, तो उसकी दोस्तों 36 पर ही रुकी हुई है, 36.5। तो मैदान से ये काफ़ी आगे तक जा चुकी है। सो अब दोस्तों इसका जो इंटरेस्ट जनता दिखाएगी ना, वो बहुत तेज़ी से दिखाएगी। मूवी रिलीज़ होते होते दोस्तों ये 100K क्रॉस कर जाएगी, मेरा ऐसा बिल्कुल मानना है। तो अगर ऐसा करती है, लोगों में इंटरेस्ट बढ़ रहा है इस मूवी देखने के लिए। और मैंने पहले ही आपको बताया था कि इस मूवी की जो सबसे जो पर्सनल बात है ना, इनका फेस ऑफ लोगों में बहुत होगी यार एक्साइटमेंट की, यार टाइगर विनर रहेगा या अक्षय, इन दोनों की फाइट्स देखने में दोस्तों जो मज़ा आएगा ना, वो और इस मूवी में नहीं आएगा जितना इन दोनों की फ़ाइट है। फाइट सीक्वेंस ज़बरदस्त होने वाले हैं, क्योंकि वॉर मूवी के बाद दोस्तों टाइगर की ऐसी लग रही है कि ये वही वो चीज़ वो कर रहे हैं जैसी मूवीज़ वॉर में ऋतिक और टाइगर की हुई थी, गुरु और चेले की आपस में भिड़ंत। और इधर भी वही सीन होगा दोस्तों, जो सीन उसमें हुआ था वही चीज़ इसमें होगी। और सबसे बड़ी बात यार, सस्पेंस बहुत तगड़ा रखा गया है कि क्यों ये आपस में एक दूसरे के विरोधी बनते हैं, और क्यों विलन का फेस नहीं दिखाया जा रहा है। ये सबसे बड़ा एक इस मूवी का पॉइंट है, क्योंकि फेस क्यों नहीं दिखा रहे, क्या फेस उसका जला हुआ है जो मास्क पहने रख रहा है, और उसने तो पहना है, या बाकी बैकग्राउंड जो स्टार है जो उनके साथ में गैंग वाले हैं उन्होंने भी डाला हुआ है मास्क। ये बहुत दोस्तों दिलचस्प होगा, और ऐसा एक AI रोबोट तैयार करेंगे जिसे दोस्तों आग भी, और ये हमारे जो हीरोज़ हैं ये भी इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। और किस तरह इसका खात्मा करेंगे, किस तरह मारेंगे, ये तो 10 तारीख को देखना लाजमी बनता ही बनता है। और जो कुछ लोग कह रहे हैं ना, ये सारी ट्रेलर में फिल्म दिखा दी है, नहीं, बहुत से सस्पेंस रखे हुए हैं डायरेक्टर अली अब्बास जफर ने, और इसके एडिटर ने बहुत ही प्यारा दोस्तों ये कटआउट पेश किया है जो ट्रेलर। अब देखो, इसको जिससे मर्जी आप कंपेयर करो, चाहे मिशन इम्पॉसिबल की सस्ती कॉपी कहो या कुछ भी कहो। ऐसे मैं देख रहा था, कुछ लोगों के रिव्यू आ रहे थे, बट यार जो भी है ज़बरदस्त है, बहुत मेहनत लगी है। प्लीज़ इस मूवी को सपोर्ट कीजिए और फुल सपोर्ट कीजिए। सो थैंक यू।